ग्लास एंड सेरेमिक जोन, ये MMLP काठवास कंटेनर हब बनाया गया है, उससे भी इसको जोड़ दिया गया है। ये जो प्रस्तावित है रेलवे लाइन यहाँ से निकलेगी। ये अपने प्रोजेक्ट से मात्र ही ये देख लो 100 मीटर के आसपास ही पड़ता है, तो 100 मीटर बाद में अपना इंडस्ट्री शुरू हो जाता है। और ये मेन 200 फीट रोड है, सीधा इंडस्ट्री को हाईवे से जोड़ने वाला एकमात्र ही सीधा ये 200 फीट रोड है। यहाँ से देखो इंडस्ट्री शुरू हो जाती है एक तरीके से, है ना। ये रिको एरिया गिलोट, इसका लेआउट प्लान है। ये वह नीचे नीचे वाली जो पॉइंट है ना एरो पॉइंट, वहाँ पे अपन पहुँच गए अभी। अब सामने ऊपर इतना बड़ा ये दिख रहा है, ये सारा पूरा इंडस्ट्री जोन ही है ना। ये कॉमर्शियल है रिको का, इसमें ये जो मॉल बना दिया ना, मॉल बना दिया, आगे एक मॉल का और काम चल रहा है, वो सामने हॉस्पिटल है। ये चला जाएगा अभी इधर की साइड में, वहाँ तक तो कुछ इंडस्ट्री है जो सामने दिख रही है ना, उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रेजिडेंशियल जोन है रिको का। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये मतलब वैसे तो NCR में अपन बात करें ना, इतना अच्छा लुकिंग जो आती है इस इंडस्ट्री में ही आती है कि चारों तरफ, क्योंकि एक तो हिल एरिया, तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, नो पोल्यूशन है, पूरा इंडस्ट्री जो है ना, सारी इंडस्ट्रीज में बस ये चिमनी वाली या फैक्ट्री वाली मतलब ना के बराबर है। ये कुछ कॉमर्शियल जोन है, ये हॉस्पिटल के लिए कुछ वैसे रिसोर्ट वगैरह, ये एक नया मॉल और बन रहा है, ये वाला ये चल रहा है जो है ना देव टावर। सही है, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ ही आ गया है। हाँ, सारा कुछ आ गया है इसमें। ये जनरल जोन है इधर सामने, इधर जो है जापानी जोन सेकंड है। ये सामने जो ये सारा इंडस्ट्री का ही एरिया है, ये फैक्ट्रियाँ बन गई है, तैयार हो गई। सारा इंडस्ट्री वर्क ही चल रहा है, ये कंपनी का ही। ये सारा रेजिडेंशियल है इधर सर? ना, यहाँ ये कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल तो उधर था आगे। ये पीछे इधर आ रहा है? नहीं नहीं, ये कॉमर्शियल में है, ऊपर रेजिडेंशियल बना रखे हैं। अच्छा, ये कॉमर्शियल दुकानें वगैरह उसके लिए। ये वाला जोन दिख रहा है जहाँ तक अपन देख रहे हैं, ये जापानी जोन सेकंड के लिए है। जैपनीज कंपनी अभी जो अभी कुछ दिन पहले समिट भी हुआ था अलवर के अंदर जो ये रोजगार वाला, तो उसमें शकुंतला जी रावत जी ने घोषणा भी की थी, तो जापानी जोन की कुछ कंपनी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये इधर का ये जनरल जोन है, वो तो सामने पूरा दिख रहा है, वो इंडस्ट्री वो लगी हुई है, सारे रनिंग में है, प्रोडक्शन पे है। प्योरोटो है, एस्टल पाइप है, सभी बड़े ब्रांड जो है वो है इसमें। अभी महिंद्रा का चल रहा है, वो आ जाएगी तो महिंद्रा का तो काफ़ी कंपनीज का काम साथ में आ जाएगी। ये इधर ये कंपनी है देखो, ये 2-3 महीने में रेडी होगी ना, अभी बहुत जल्दी फास्ट प्रोग्रेस चल रही है। सामने वो प्योरोटो कंपनी है, उसके साथ में प्योरोटो के बगल की वो दवाई वाली कंपनी है ना, उसके साथ में वो है, वो एस्ट्रल पाइप है, सुप्रीम है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, पूरे रोम में भरी पड़ी वहाँ तक है, मतलब लगभग लगभग 700-800 मीटर तक सारी कंपनियां हैं। तो 1.5 साल में तो काफी ग्रोथ हो गई, 1.5 साल पहले आया था फिर तो मतलब गिनी चुनी 3-4। ये पूरी रो है, ये रनिंग में है, सारी कंपनियां हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, ये सारी वही बेल्ट है? हाँ, सारी इंडस्ट्री की बेल्ट है। वहां तक आप तो दिख रही है ना, सारी कंपनियां वो जो दिख रही है। अभी एक नई कंपनी का उद्घाटन हुआ है,
ये भी मतलब ये देखना बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, 4-5 महीने में कि बाउंड डोल करने के बाद अंदर का तो इन्होंने सारा रेडीमेड सा ही काम करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं ये सब। ये तो सब जल्दी कर देते हैं, ये सकरनी कंपनी है जो अपनी पुट्टी वगैरह आ रही नहीं आती दीवार की, ये इधर एक कंपनी नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। ये ग्लोशियर है सब जी, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ा ही कंपनी है, 50 एकड़ का प्लॉट है इसका जी। ये ग्लोशियर है, इसमें सारा जो आपका सैनिटरी का जो भी है ना जी, सारा यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें लगभग लगभग 2500-3000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये पूरा हैवल्स का प्लांट है, इसका भी साहब 50 एकड़ का प्लांट है ना, इसमें हैवल्स में यहाँ से वहाँ से उस कॉर्नर से पूरा हैवल्स फैला हुआ है। और ये लॉयड का प्लांट है हैवल्स में, हैवल्स जैसे लॉयड की जो अपने एसी वॉशिंग मशीन एसी और ये जो आते हैं वो सारा प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। अंदर तक आप देखोगे ना बहुत डीपली चले जाओ वहाँ तक वो हैवल्स से फैली हुई है। इसमें इसमें भी लगभग लगभग 4-4.5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है ना वो सबसे बड़ी कमी है फिलहाल अभी 8% जो परेशानी है वो रेंट, मतलब ये है कि लोगों को रहने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, मतलब रेजिडेंशियल की कमी है सबसे बड़ी। अभी धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप हो रही है, ये एस्ट्रल पाइप है, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है इनका भी, एस्ट्रल पाइप वालों का भी, ये भी आप वहाँ तक देखोगे दूर तक तो आपका एस्ट्रल पाइप को वहाँ तो लास्ट पर एस्ट्रल पाइप है। बड़े प्लांट हाँ हाँ अभी तो और बहुत काफ़ी बड़े प्लांट आ रहे हैं सर। गिलोथ इंडस्ट्रियल एरिया निमराना EPIP जोन बहरोड केसवाना सोतनाला में प्रॉपर्टी लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9555-3-9555 पिन।